अभी तक आपने गांव नहीं देखा, अभी आपने जंगल नहीं देखे। तो फाइनली हम लोग अपने गांव पहुंच गए और आप लोग आते रहना, बाद में आई देख रहे हो आधे रास्ते से। और वो रहा हमारा घर, वो व्हाइट कलर का। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज हम कहां जा रहे हैं काशी? गांव। आज हम लोग गांव जा रहे हैं, शादी है। हाँ, मैं लहंगा पहनूंगी, वैसे भी मेरे पास दो लहंगा है। ओह माय गॉड। तो गांव जाने के सबसे हम लोग उत्तराखंड जा रहे हैं, आज गांव जा रहे हैं अपने होम टाउन। और काशी के तो दादा का गांव है, मेरे दादा का गांव है और काशी के दादा का गांव है। अरे तुम्हारे भी दादा होते हैं, सबकी होते हैं। हाँ, तो हमारे उत्तराखंड जाने के दो रीज़न है। पहला तो ये कि मामा के लड़के की शादी है, और दूसरा ये कि गांव में जो बद्रीनाथ जी का उसकी पूजा है बहुत बड़ी, और वहाँ भंडारा भी है। तो बहुत सारे लोग, मतलब गांव के भी है तो, हाँ भी है ना। माय गॉड, गर्मी इतनी हो रही है, बाप तो गर्मी हो रही है, ठंडी मौसम नहीं है, पर अभी नहीं है। वही तो। तो गाइस अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, क्योंकि मेरे को इससे पहले शूट करने का टाइम नहीं मिला बहुत सा। मैंने पैकिंग भी सिर्फ अभी करी है, 2-3 घंटे में मैंने सारी पैकिंग करी है अपनी और मम्मी पापा के रिस्क की। सारा सामान इधर उधर फैल रखा था तो मैं शूट नहीं कर पाई। हाँ, तो गांव अब आगे जैसा भी होगा तो मैं आपको व्लॉग में दिखाती रहूँगी, और व्लॉग में बने रहना आप लोग। बाकी अभी जब हम निकलेंगे तब मैं आपसे मिलूँगी। हमने पर्सनल गाड़ी कर रखी है, मतलब सीधा गांव तक कर रखे, घर से यहाँ से सीधा गांव तक, उत्तराखंड तक, जहाँ पर हमारा गांव है। हाँ हाँ, आपको नहीं बोल रही। तो यहाँ से गाड़ी कर रखी है, और चाचा हैं, उनकी मम्मी आ रही है, यानी कि हमारी दादी, तो वो भी गांव आ रही है। तो अपने वहाँ से वो आते ही होंगे, वो निकल गए हैं, गाड़ी उन्होंने बुक करी थी। तो हम लोग साथ में जा रहे हैं सब, और दादी है, मैं हूँ, पापा हैं, मम्मी हैं और काशी है। सो अभी तो गाइज अभी हम लोग बस रेडी हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, और भाई भाभी भी आएंगे, लेकिन वो बाद में आएंगे क्योंकि अभी उनका ऑफिस है ना, भाई का ऑफिस है, तो इतनी लंबी छुट्टियां पॉसिबल नहीं है, तो वो लोग बाद में आएंगे। और हम लोग अभी जा रहे हैं, और काशी, और मैंने थोड़ा सेम कलर पहना है आज, ये और पिंक कलर है, पिंक लग रही है। तो अभी गाइस फिर जल्दी से निकलते हैं, और बाकी उत्तराखंड के ब्लॉग आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी घंटी बजा देना, ताकि नोटिफिकेशन मिल जाएगी ना, तो बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, ताकि आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और अभी मैं दिखाती हूँ हमने कितनी सारी पैकिंग करी, इतने सारे बैग हो चुके हैं ना, ये इतने सारे बैग हो रखे हैं। हमारी पर्सनल गाड़ी है तो इसीलिए इतने सारे बैग हो गए। अगर पर्सनल नहीं होती, बस से जाना होता, तो फिर तो 2-3 ही बैग होते हैं। ये दो बैग मेरे हैं, ये काशी का है शादी का, जिसमें शादी के कपड़े हैं, और ये भी शादी का बैग है, एंड इसमें भी काशी पापा मम्मी के कपड़े हैं। बाकी इसमें सारे है कुछ मिठाई वगैरह, ये सब एक्स्ट्रा सामान है। हाँ, इसको देखो। हाँ, ये मम्मी ने मेरा टीका लगाया, और पापा तो चले गए, पापा सामान लेके चले गए ना, क्योंकि चाचा वहाँ पहुँच चुके हैं और गाड़ी भी आ चुकी है। ये हम मेरी मम्मी। हाय करो भाई, ऐसे क्या देख रहे हो, हाय करो, इतने टाइम बाद मिल रहे हो अपने गाइस से। हाय, हम तो उत्तराखंड जा रहे हैं। हाँ, तो अभी हम जा रहे हैं, और पापा चले गए क्योंकि गाड़ी आ चुकी है, सामान लेके चले गए वो आधा, और बहुत सारा सामान था, 2-3 बैग पड़े हैं, वो हम लेकर जाएंगे। तो चलते हैं फिर और सारा सामान रखते हैं गाड़ी में, मज़ा आएगा बहुत। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहो, और बस अब मेरा तो उत्तराखंड का ही टूर हो रहा है, इतना टाइम से उत्तराखंड घूम रही हूँ। तो अभी चलते हैं फिर। मैंने तो ये बैग पकड़ लिया इतना भारी, बाकी सामान आधा मम्मी लेके चले गए, आधा भाई लेकर चला गया स्कूटी से, और पापा लेकर चले गए। तो चलते हैं फिर, है ना, बाकी बाहर हो रहा है अंधेरा बहुत ज़्यादा। तो अभी जा रहे देखो रास्ते में, और आगे खड़ी है हमारी गाड़ी, ये देखो मम्मी के काम। मुझे बुआ गाड़ी के पास और सामान रख रहे हैं। काशी तो पहले ही पहुंच गई दादी के साथ, है ना। अरे गाड़ी आ गई, अभी तो मेरी फ्रेंड भी आई है। हां, ये रही इसकी फ्रेंड, आओ आए, ये देखो, ये रही इसकी चाचा की लड़की, ये चाचा जी की लड़की, ये हमारी छोटी दुग्गू है,
तो ये रही हमारी गाड़ी, ये सामान रख दिया सारा, आधा सामान पीछे रख दिया। ये गाड़ी अंदर दादी बैठी हुई है, दोस्त दोनों दोस्त मिल गए, लेकिन वो तो घर जा रही है अपने, है ना काशी? काशी वो तो घर जा रही है अपने, आपके दोस्त पता नहीं। क्या नाम है इसका? पूजा। ये हमारे चाचा, अभी गाड़ी बैक हो रही है। इनकी चाचा की बुक्की। ये हमारी चाचा की लड़की, काशी की दोस्त, क्या नाम है? सृष्टि। सृष्टि के हाथ में 50 रुपए भी है। किसने दिए? खाने आइसक्रीम। चलो अच्छा बाय बाय। मिल वाले आइसक्रीम दे। ओए इसको पता नहीं क्या हो गया, बस इसको दादा चाहिए, दादा चाहिए इसको, दादी भी नहीं चाहिए इसको, दादा चाहिए बस। देखो मैं तो आगे वाली सीट पर बैठी हूँ, आराम से कंफर्टेबल। आई हमारी दादी है, बाय करो, बाय नहीं हाय करो। उत्तराखंड जा रही हाँ। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है रात का व्यू। तो आगे वाली सीट पर बैठी हूँ। काशी, काशी का तो मुंह बन रखा। काशी क्या हुआ? काशी सो रखी है, नींद आ रही है उसको। हमने कुछ खाया भी नहीं, मतलब घर से खा के आए थे, लेकिन कुछ रखा नहीं भी खाने के लिए। अभी आगे से देखेंगे कुछ खाने के लिए। दादी लाई होगी ना खाने के लिए? दादी लाई, हमने लाया, हमने खा के आए थे, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है, अभी हो रहा है 10 बज रहे हैं और सुबह तक पहुँच जाएंगे, तो इसलिए खा कर आए थे, खाना खा के आए थे, और अभी आगे से कुछ ले लेंगे, फिर रास्ते में खाएंगे जो भी। मैं आगे कंफर्टेबल होकर बैठी हूँ, एकदम मस्त ना सुबह सुबह उत्तराखंड का नज़ारा देखूंगी, और यहाँ पर आगे बैठ के गाने वगैरह नहीं सुनेंगे। शिवा टूरिस्ट ढाबा में, जहाँ पर हम लोग कुछ खाएंगे पियेंगे। थोड़ा भूख लग गई थी इसलिए हमने गाड़ी रुकवा दी, और मुझे लग गई थी भूख। मैगी खानी है, पर हमने तो थाली मंगवाई है पूरी खाने की, भी डिनर करेंगे ना सुबह खाएंगे, या तो फिर रामनगर पहुँच के खाएंगे। अभी हमने ऑर्डर दे दिया है और अभी आता होगा तो फिर मैगी मंगाई है अपने लिए। कह रही थी पिज़्ज़ा लेकर आओ मेरे लिए, लेकिन पिज़्ज़ा तो यहाँ मिलेगा नहीं, तो मैगी का ऑर्डर दिया है काशी के लिए। खा लोगे ना मैगी? क्या बोल, क्या मंगाया आपने? क्यों मैगी पसंद है क्या? इसको मैं परेशान, मजा आता इसको परेशान करने में। छुट्टी दे रही है, एक्साइटेड हो रही है। काशी पहली बार गांव जा रही है हमारे, मतलब अपने दादा के गांव। रख रखा है मैंने लहंगा, और चुका है हमारा खाना, और उधर पापा रख रहे हैं दादी के लिए और मम्मी के लिए, क्योंकि मेरे को तो रोटी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने रोटी एक ही रख ली, और चावल है और मटर पनीर, दाल फ्राई, और ये रायता, और तो खाना खाएंगे। दादी भी खाना लेकर आई थी। काशी की मैगी नहीं आई रे अभी तक। काशी तेरी मैगी अभी तक नहीं आई, बन रही है ना? हाँ तब तक आप हमारे साथ खाओ, ठीक है? हमारा हो चुका है खाना पीना, और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, ये पीछे ढाबा था, तो अब हम लोग कोटद्वार रुकेंगे ना, यहाँ से सीधे जाएंगे कोटद्वार, कोटद्वार रुकेंगे, वहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, और फिर सीधा गाँव उत्तराखंड। पापा आगे बैठेंगे अब, और मैं बैठूंगी पीछे काशी के पास। अभी हम लोग, ये गांव है, मार्केट है ना, मार्केट है पोखड़ा बैंड ना, पोखड़ा बैंड मार्केट है, मतलब यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा खाना वाना खाना क्या नाश्ता वगैरह किया, और
काशी को तो ये चाहिए बस, ओयोस ये इसने कुछ खाया नहीं, इसको यही चाहिए। तो अभी फाइनली हम लोग उत्तराखंड में एंट्री कर चुके हैं। हैं क्या बोल रही है? अभी थोड़ी आया हमारा गांव, अभी थोड़ी देर में आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बस आने ही वाला है, 2-3 घंटे और। कैसे लग रहा काशी, तू पहली बार आ रही है ना? बता काशी, अभी तो आपने गांव नहीं देखा, अभी आपने जंगल नहीं देखे। हाँ ये पहाड़, ये है उत्तराखंड। काशी गाय आ रही, वो देखो दौड़ती हुई, वो देखो, ये इसको दादा चाहिए, दादा के साथ घूम रही है ये। अच्छा ये वाला स्कूल है, ये सब वाइट। और दादी तो नाश्ता कर रही है, और बाकी नींद भी आ रही थी बहुत ज़्यादा, मैं तो आगे वाली सीट पर बैठी थी और नींद बहुत आ रही थी। हम लोग कोटद्वार वाले रास्ते से आए थे, फिर कोटद्वार से सतपुली होते हुए फिर अब सीधा जाएंगे यहाँ से अब मतलब हम लोग यहाँ से बैजरो नहीं जाएंगे, सीधा उधर से कट हो जाएंगे गांव के लिए, क्योंकि बैजरो क्या जाना उधर से कट हो जाएंगे। हाँ क्या दादी, पहल पेड़ होता है। फाइनली हम लोग अपने गांव पहुंच गए, गांव आ गए। काशी उठ जाओ भाई, तो सो रखी है अभी तक, आ जाओ। गांव पहुंच गए हम लोग अपने, तो फाइनली अपने गांव पहुंच गए हैं, और अब बहुत नींद आ रही है, और अभी बहुत सारा सामान है जो कि अभी निकालना है गाड़ी से, और भाई बहन को बुला रखा है क्योंकि बहुत सारा सामान है, तो वो ले जाएंगे, एक आध ले जाएंगे और बाकी हम ले जाएंगे। तो एक काशी उठ जा, सो रखी है क्या? चप्पल पहन रहे हो? अच्छा चप्पल पहन रही है। वो देखो वो मंदिर है, हाथ जोड़ो मंदिर है देखो, अरे एक मंदिर ऊपर भी है, देखो काशी ऊपर भी है, वहाँ पर भी एक मंदिर दिख नहीं रहा है, पेड़ों के अंदर छुपा हुआ है। काशी को देखना, ये गांव थोड़ी है हॉस्पिटल। हाँ ये हॉस्पिटल है, और ये देखो नज़ारा भी इतना अच्छा हो रहा है ना, मेरा यहाँ का नज़ारा इतना सुंदर उत्तराखंड का, और इतनी हसीन वादियाँ, इतना अच्छा लग रहा है वापस से एक बार उत्तराखंड आके। देखो ये इस साइड है, कितना अच्छा लग रहा है। क्या कह रहे हो पापा, इधर बोलो क्या कह रहे हो? कह रहे काशी को लेके जा रहा हूँ मैं नीचे, और आप लोग आते रहना। हाँ ये सारा सामान हम सर पे ले आएंगे। वाओ बचने का तरीका पापा, गलत बात। और ये लोग लीची खा रहे हैं अभी, जब तक आते हैं भाई बहन सामान लेने के लिए। हाँ बुला तो रखा है, बात आएंगे ना, फोन कर दिया, अब देखो बात ही नहीं आते, हम यहीं खड़े। पापा ने सबसे छोटा सामान चूज करा कि पापा ये दो थैले ले जाएंगे, छोटे छोटे जो बहुत हल्के हैं। वो देखो वो जा रहे हैं सबके सब आगे। तो ये रहा हमारा गांव नीचे की तरफ, वो रहा बद्रीनाथ का मंदिर, और बाकी गांव आपको नीचे से दिखाऊंगी मैं, जहाँ से पूरा व्यू दिखेगा और सारा गांव दिखेगा इधर की साइड। और वो रही वो रोड, जिस रोड से हम लोग आए थे उधर से घूम के, वहाँ से हमारा गांव दिखता है साफ बिल्कुल। इधर रास्ता जाने में तो आसान है, लेकिन जब ऊपर की तरफ आएंगे तो सांस फूल जाएगी, ऐसा रास्ता है यहाँ का। तो ये देखो ये दो दो बैग पकड़ा रहा, कितने भारी भारी, एक ही साथ में और एक ही साथ में, और ये पेप्सी की बोतल। पापा पीट जा रहे हैं नीचे। चलिए फिर गांव आ गया, अब गांव दिखाती हूँ मैं आपको ऊपर से। और हाँ मेरा हाथ ही, मेरी मम्मी को देखो, मम्मी ने भी छोटा सामान पकड़ रखा है बेटा, सही है हल्के में, सही है मुझे दो दो पकड़ा रखे हैं, और पापा ने भी दो पकड़ लिए हल्के। अब गांव आके गांव दिखाते हैं। तो ये रहा हमारा गांव, और वो रहा हमारा घर, वो वाइट कलर का इधर से ये पूरा। और वो देखो बद्रीनाथ का मंदिर, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर।
चलो मम्मी चलो चलो, मेरी फ्रेंड भी मिल गई मुझे। फ्रेंड क्या मतलब, फ्रेंड ही है मुझसे छोटी लेकिन फ्रेंड ही है। कोई बात नहीं, वो मेरा सामान ले जा रही है, आधा बहुत सारा सामान था। और क्या नाम है, मैंने तो नाम भी भूल गया, आयशा ना, आयशा मुझे लास्ट ईयर मिली थी और इसको मेरा नाम याद है लेकिन मेरे को नाम याद ही नहीं है, बताओ, इसने मुझे पहचान लिया। हम अपने घर की तरफ एंट्री करते हुए जा रहे हैं, देखो देखो ये साइड से भी दे, चलो ये बाद में आई मेरी बहन, इसको देखना बाद में आई, देख रहे हो आधे रास्ते से। अरे किधर भाग गई ये, कहां सो ये रहा हमारा घर। दादी नमस्ते, नक्ष ट्विन्स है दोनों। ओए नानू उधर आ, इधर आ नानू। गांव में रह के चेंज ही हो गए पूरे, मतलब पहचान ही नहीं पाई यार। फाइनली हम लोग घर पे पहुंच गए। ये काशी तो अपने चतुर को काली बना ली थी मैं, है ना, चलो अंदर चलते हैं। तो अंदर पहुंच गए हम लोग, यहाँ लाइट जलाते हैं, ये है खतरनाक लाइट है। और अब यहाँ पर आराम से बैठते हैं, इसको देखो क्या हो रहा है, नैना नक्श को हाँ अपने घर में आके अलग ही सुकून मिलता है। कमरा ये रहा और एक कमरा वो है जिसमें मैं अभी गई थी, और दो कमरे नीचे हैं और किचन है। सो यही हमारा पूरा घर, और बस अब थक चुके हैं बहुत ज़्यादा और रेस्ट करना है। अभी ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक पियेंगे ना काशी, काशी तो फ्रेश होकर आ गई, मैं भी जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। अब जल्दी से अच्छे से फ्रेश होंगी, कपड़े चेंज करेंगे, हाँ कपड़े वगैरह चेंज करेंगे और फिर खाना वाना खा लेंगे। सारी तो बाद में है, मामा जी की लड़के की, वो तो नानी के गाँव जाना है। तो गाइस फिर अभी इस व्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ, और आई होप सो आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। सो आज से उत्तराखंड के व्लॉग आने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग। सो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो कर देना एंड कमेंट भी करना और खूब सारा प्यार देना, सपोर्ट करना। सो जल्दी ही मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइज़।